बीजेपी पर हमेशा ये आरोप लगता रहता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को अपने अंडर रखती है और निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने देती, चाहे वो मुद्दा ईवीएम का हो या फिर सरकार को तोड़जोड़ करने वाली राजनीति का। और बीजेपी के ऊपर हमेशा से ही आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगता रहा है, लेकिन चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, इन दोनों को ही चुनाव आयोग द्वारा हमेशा ही बड़ी कर दिया जाता है। इन सब के बीच राजद के छात्र राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार ने भाजपा पे ये आरोप लगाया है कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रही और आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। अमरेंद्र कुमार के हिसाब से बिहार में जन वितरण दुकान पर नरेंद्र मोदी जी की फोटो वाले झोले का वितरण किया जा रहा है, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है, और साथ में ही पेट्रोल पंप पे उनके नए बड़े बड़े पोस्टर लगाए जा रहे हैं। अमरेंद्र कुमार बताते हैं कि इस तरह से आचार संहिता के दौरान नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर वाले झोले का वितरण आचार संहिता के खिलाफ। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए कहा कि भारत में आचार संहिता लागू है, वर्तमान में सार्वजनिक स्थान पर किसी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तस्वीरें बिना अनुमति लगाना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके बावजूद बिहार के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकान पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर वाले झोले का वितरण जारी है, और साथ ही पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी जी की नई नई बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई जा रही है, जिससे मतदाता प्रभावित हो रहे हैं। अमरेंद्र कुमार ने इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। हमारी अमरेंद्र कुमार जी से बात हुई, वो क्या कहते हैं इस पे आप भी सुनिए। संपूर्ण देश में आदर्श आचार संहिता लागू है, लेकिन बिहार के कई जन वितरण प्रणाली के दुकानों पर नरेंद्र मोदी जी के तस्वीर वाले झोला का वितरण किया जा रहा है, और कई पेट्रोल पंप पर मोदी जी के होर्डिंग वाली बड़ी बड़ी तस्वीर लगाई गई है, वो आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। इसके अगेंस्ट में आज मैंने भारत के निर्वाचन आयोग को मैंने एक चिट्ठी लिखा है, और बिहार के भी निर्वाचन आयोग को एक चिट्ठी लिखा है, और उसमें मैंने उसे मेंशन किया है कि जितने भी जन वितरण प्रणाली के दुकान है उस पर से मोदी जी के तस्वीर वाली झोलाओं को वितरण पर से रोक लगाई जाए, और पेट्रोल पंप पर जो होर्डिंग लगाया गया है बड़ा बड़ा, उस होर्डिंग में से नरेंद्र मोदी जी के तस्वीर वाली होर्डिंग को हटाया जाए, तभी जा करके आचार संहिता का पालन होगा, नहीं तो जो आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं उन पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाए, नहीं तो फिर देखा जाएगा कि ये निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है। धन्यवाद। अमरेंद्र कुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष, छात्र राष्ट्रीय जनता दल बिहार। अगर आप ये हमारा वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप ये हमारा वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद। टूर पर जाना है, फैमिली फंक्शन है, या फिर कोई इमरजेंसी है, कार चाहिए तो चिंता किस बात की, टैक्सी हब है ना, बस कॉल करो 7352922383 पर। घर बैठे कार मंगवाओ, कहीं भी जाओ, और टाइम और पैसा दोनों बचाओ। जाओ